कोटा में चंबल चैलेंज इन शेप की ओर से 5 जनवरी 2020 को अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। ये दौड़ कोटा से रावत भाटा के बीच होगी, जिसमें 33, 50, 63 और 84 किमी की दौड़ को शामिल किया गया है। इन शेप रनर्स के फाउंडर अजय ने बताया कि पिछले साल देश के अलग अलग 45 शहरों से 50 रनर्स ने इस मैराथन में भाग लिया था, लेकिन अब इसमें 100 शहरों से 1000 रनर्स भाग ले सकेंगे। इस इवेंट के एम्बेसडर कायरन डिसूजा है, जो विश्व अल्ट्रा मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही इस इवेंट की फेस सूफिया खान होगी, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की 4500 किमी की दूरी को 90 दिनों में तय किया था। साथ ही अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। इस अल्ट्रा मैराथन दौड़ को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासनिक, पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग का भी पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं इस अल्ट्रा मैराथन का मुख्य उद्देश्य भारत के हर रनर्स को एकजुट करना, रनर्स को विकसित करना और कोटा में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। चंबल चैलेंज 2020 का लॉन्च हमारे शहर के गौरव, हमारे शहर के एम्बेसडर, लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि आज एक नेशनल आइकॉन है। और हमें खुशी है कि इस नेशनल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता और रेस का विमोचन, इसकी लॉन्च की घोषणा हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हमारे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे किया गया। चंबल चैलेंज इनशेप रनर्स क्लब के द्वारा हर साल कोटा में आयोजित किया जाता है और ये इसका तीसरा संस्करण 5 जनवरी 2020 को चंबल वैली में आयोजित की जाएगी। अल्ट्रा मैराथन जिसमें 33 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 63 किलोमीटर और 84 किलोमीटर की दूरी दौड़ के तय करनी होती है। ये दौड़ कोटा से शुरू होकर रावत भाटा में खत्म होगी और पिछले वर्ष में 45 शहरों के 500 रनर्स ने हिस्सा लिया था। इस वर्ष 100 शहरों के 1000 रनर्स, चोटी के रनर्स हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से इस दौड़ में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस दौड़ के एम्बेसडर कायरन डिसूजा, जो विश्व अल्ट्रा रनिंग में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस इवेंट का फेस सूफिया खान है, जिन्होंने अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4.5 हजार किलोमीटर की दूरी 90 दिनों में दौड़ के पूरी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया था। और ऐसे चोटी के खिलाड़ी और ऐसे चोटी के रनर्स हमारे शहर में आएंगे। ये जो दौड़ है, ये अल्ट्रा रनिंग सर्किट्स में सबसे इकोनॉमिकली प्लान रन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रनर, हर बैकग्राउंड के रनर, हिंदुस्तान के हर प्रांत के रनर इसमें हिस्सा ले सकें। ये इसके पीछे और रनर्स को विकसित करने के लिए, रनिंग को विकसित करने के लिए, कोटा को इको टूरिज्म, MHTR को प्रमोट करने के उद्देश्य से, लोगों को प्रकृति के नज़दीक ले जाने के उद्देश्य से इस दौड़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इस दौड़ में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी विभिन्न संस्थानों का सहयोग मिलेगा। ये दौड़ कोटा से रावत भाटा के बीच में आयोजित की जाती है। 33, 50, 63 और 84 किलोमीटर की है। 1000 रनर्स 100 शहरों से आने का अनुमान है।